दिल्ली में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान मनोहर लाल ने प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनाई। साथ ही 29 नवंबर को नई स्वास्थ्य योजना को लॉन्च करने का ऐलान किया। सीएम मनोहर लाल ने इस दौरान चिरायु हरियाणा योजना का भी जिक्र किया और कहा कि जिनकी आय 1,80,000 से कम है ऐसे 13 लाख परिवारों को स्वास्थ्य योजना से जोड़ा जाएगा। तो 29 नवंबर को राष्ट्रपति कुरुक्षेत्र दौरे पर आ रहे हैं और इसी दिन स्वास्थ्य योजना को लॉन्च किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री ने प्री बजट पर हुई बैठक पर भी प्रतिक्रिया दी, साथ ही विरोधियों पर भी निशाना साधा। अतिरिक्त योजना बनाकर के चिरायु हरियाणा, उसके अंतर्गत जो परिवार बच गए हैं जिनकी आय 1,80,000 रुपए वार्षिक से कम है ऐसे और लगभग 13 लाख परिवार जुड़ जाएंगे तो इन सब की संख्या 28 लाख परिवारों की हो जाएगी, जो प्रदेश की आबादी का लगभग आधा हिस्सा है। तो इतनी बड़ी योजना हमने इसको चालू किया है, अगले इस एक महीने में सबके कार्ड बट जाएंगे। स्वास्थ्य सर्वेक्षण का कार्यक्रम 29 तारीख को सौभाग्य से अपने देश की राष्ट्रपति महोदया वो कुरुक्षेत्र में आ रही हैं, उसी दिन वो लॉन्च की जाएगी। अपने आप में ये भी हरियाणा में एक यूनिक कार्यक्रम होगा जो देश भर में किसी और प्रांत ने भी नहीं अपनाया है। हम इसको पहले चरण में जो बीपीएल के लोग हैं 1,80,000 रुपये वार्षिक तक, उन पर उनका एक प्रकार से परीक्षण किया जाएगा। अगले चरण में इसको यूनिवर्सल बना करके बाकी जो नागरिक हैं उनका भी परीक्षण का ये कार्यक्रम चालू करें। 3 समर्पित कोष हम लोग बनाएंगे और देश भर में बनाने चाहिए, जिसके अंदर क्लाइमेट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट फंड एक, दूसरा है रिसर्च एंड इनोवेशन विद्यार्थियों के लिए, शिक्षा जगत के लिए दूसरा, ये भी जरूरी है, और तीसरा वेंचर कैपिटल फंड अर्थात उद्यम पूंजी, इसका जो कोष बनाया जाए ताकि उस कोष में से जब भी जिस प्रांत को आवश्यकता हो उसमें से वो दिया जा सके। हम सब्सिडी दे रहे हैं तो नेचुरल गैस के ऊपर वैट का 50% दे रहे हैं, उस पर जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है उस पर भी 30% हम उसमें ग्रांट दे रहे हैं। तो ये सारी केंद्र सरकार भी इसमें कुछ योगदान करे। सीएनजी पीएनजी की जहाँ सप्लाई है नहीं है अभी, वहाँ सीएनजी पीएनजी की सप्लाई ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए ताकि हम इंडस्ट्री में इस प्रदूषण को समाप्त कर सकते हैं और रोक सकते हैं। इनको जो गलतफहमी होगी कि सारे सब देश के लोग इनकी बात को सुनेंगे, कोई इनकी बात को सुन नहीं रहा है। इन्होंने सब जगह प्रयोग करके देख लिया, इन्होंने वाराणसी में प्रयोग करके देख लिया, इन्होंने उत्तराखंड में प्रयोग करके देख लिया, इन्होंने हिमाचल में प्रयोग करके देख लिया, हरियाणा में भी पिछली बार प्रयोग करके देख लिया, गुजरात में भी मौके खाएंगे, और अब ये चाहते हैं कि दिल्ली में भी जिस प्रकार का इन्होंने पहले एक लालच दिए, धोखे से चीज़ों को अंधेरे में रखा, और उस प्रकार से ये MCD में भी कुछ करेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। घोषणाएं बड़ी बड़ी करना लेकिन इनके जो लिंक्स हैं वो भी अवांछित लोगों के साथ ये पाए जा रहे हैं। अब उसका खुलासा तो धीरे धीरे कोर्ट ही करेगा, लेकिन बहुत चीज़ें जब पंजाब के चुनाव में घुसे हैं वहाँ के ऐसे प्रमाण मिले हैं कि अवांछित लोगों के हाथ में इनके संबंध पाए गए हैं। ये लोग कहने में कुछ हैं, करने में कुछ हैं। भ्रष्टाचार में हर व्यक्ति इनका डूबा हुआ है, कितने इनके मंत्री, कितने इनके विधायक, उनके ऊपर सिद्ध हो चुका है। कुछ तो रिजाइन कर गए, कुछ को इन्होंने निकाल दिया, और कुछ के ऊपर केसेस चल रहे हैं। अभी तो सारी चीज़ें निकल करके आ रही हैं।